हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल अत्याचार में फिर से आपका एक बार स्वागत है। लेकिन आज मैं कोई पढ़ाई लिखाई की बात करने वाला नहीं हूँ। आज मेरा मूड नहीं है, मैंने तैयारी नहीं की, पढ़ाई नहीं की, इसलिए आज मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। कोई सब्जेक्ट डिस्कस करने के लिए 2-3 दिन पढ़ाई करनी पड़ती है बॉस, ऐसे नहीं होता। लेकिन आज मैं सोचा कि कुछ बातें करूँ आपसे। आप लोग तो बिल्कुल मुझे टीचर बना दिया है। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे और आपके बीच एक ऐसा रिलेशन बने जो एक टीचर और स्टूडेंट का होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे और आपके बीच एक फ्रेंड का रिलेशन बने। इसलिए कुछ बातें मैं जब आपसे करूँगा, एक्चुअली मैं आपका जो सिचुएशन है, आप पढ़ाई, कुछ लोग तो यूट्यूब पे आ रहे हैं, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंसियर हैं, बहुत अच्छी बात है। और पता नहीं रियल स्टडीज में वो क्या करते हैं, केवल यूट्यूब देख लिया उसके बाद फिर वही काम कर रहे हैं, तो आई डोंट नो। क्योंकि जब मैं पढ़ता था कॉलेज में क्या होता है, अब ज़्यादातर लोग तो आजकल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज तो इंडिया में है नहीं ज़्यादा। अब प्राइवेट कॉलेज में जब आदमी एडमिशन लेता है, फर्स्ट ईयर में तो इसी गम में रह जाता है कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं कौन से कॉलेज में फंस गया। आधे लोग तो इस गम में रहते हैं और आधे लोग इस गम में रहते हैं कि मुझे वो ब्रांच नहीं मिला जो मुझे ब्रांच लेना चाहिए था। सिविल वाला सोचता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं मिला, इलेक्ट्रिकल वाला सोचता है कि मुझे मैकेनिकल क्यों नहीं मिला, मैकेनिकल वाला सोचता है मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं मिला। और इस गम में एक साल तो खत्म हो जाता है। कई लोग लड़खड़ाते भी हैं, जब एग्जाम्स आते हैं तो कई लोगों को कैरी लग जाती है, कई लोग किसी तरह निकल जाते हैं। हर बैच में मेरा एक्सपीरियंस है कि 5% से ज़्यादा लोग सीरियस नहीं होते पढ़ने के लिए। ये बहुत ही बड़ा सोचने की बात है। इंडिया का कॉलेज तो बहुत सारे हैं, करीब 14-15 लाख लोग इंजीनियर बन रहे हैं आजकल हर साल इंडिया में। लेकिन आप एक सर्वे करके देखो, क्वालिटी जॉब कितने लोगों को लगती है? मुझे लग रहा है 1-2% से ज़्यादा लोगों को, 5-10% से ज़्यादा लोगों को क्वालिटी जॉब नहीं लगती। मुश्किल हो जाती है, लोग इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद उनको कोई 10,000 का जॉब नहीं लगता। कुट-कुट मत ना करा। तो ये मुश्किल हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? सबका दिमाग अच्छा है, कोई कमजोर नहीं है पढ़ाई में। सबसे पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि किसी का कोई पढ़ने में कमजोर है या किसी का बेस खराब है या कुछ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक तो हमारे इंडिया में, जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे कॉलेजों की बात करता हूँ। आप तो प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है पढ़ रहे हो, कुछ लोग अच्छे कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे। अच्छे, चाहे वो कॉलेज कितना भी अच्छा हो, टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। और जैसे ही टीचर की कमी होती है, बच्चों को या स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट से मन हट जाता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट कौन जगाएगा? आप अभी कुछ अलग चीज पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ते पढ़ते आप एक नए करिकुलम में आए, आपने एक नया कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आते हो, आपका कोर्स एकदम डिफरेंट हो जाता है। और उस डिफरेंट कोर्स में अगर टीचर अच्छा नहीं है तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं आ पाता। तो फिर आप क्या करते हो, 5 साल का क्वेश्चन रटते हो, गेस्ट पेपर लाते हो, सजेशन लाते हो, पता नहीं क्या क्या तिक्रम भी लाते हो, एग्जाम तो किसी तरह निकल जाता है, लेकिन उससे क्या फायदा है? कुछ नहीं। जितने भी जो मेरा जो समझ है, उससे मुझे लगता है कि नीम कॉलेज में अंदर आने के पहले बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज होती है। 4 साल में स्टूडेंट्स का डिटोरिएशन ज्यादा होता है रेदर देन उनका कुछ इंप्रूवमेंट होना, ज्यादातर कोर्सेज में, ज्यादातर कॉलेज की बात कर रहा हूं। अगर कोई अपने आप से सिंसियर होकर पढ़ाई कर लिया तो उसकी अलग बात है। और वही लोग जॉब ले पाते हैं, या गवर्नमेंट के जॉब हों या प्राइवेट सेक्टर के जॉब हों। आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, जुड़े हुए हैं मुझसे, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं कि कितना ज़्यादा जॉब्स की कमी नहीं है। ये भी बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे जॉब्स UPSC में, IAS के एग्जाम्स में सीटें खाली रह जाती है, लेकिन लोगों का लेवल उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाता। जो उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उतना मार्क्स भी कोई लेके नहीं आता। तो कंपटीशन कहाँ है? क्वालिटी में कमी हो गई है। स्टूडेंट्स जो है, अब मैं तो सिस्टम का ही दोष दूंगा, मैं स्टूडेंट्स का दोष दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सिस्टम, सब लोग तो इस सिस्टम का ही हिस्सा है। आज जो कॉलेज चला रहे हैं,
एकदम बिजनेस बना के रख दिया है। मैंने तो ये भी देखा है कि लोग जाते हैं इंजीनियरिंग करने और वो इंजीनियरिंग कॉलेज के दलाल बन के रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मैंने देखा है, 5 लाख 10 लाख डोनेशन दे के वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और अगले साल वो भी लड़के ढूंढने लगते हैं कि एडमिशन करा दे उनके कॉलेज में। तो बताओ, आप यही करने के लिए गए हो, पढ़ाई करने के लिए गए हो? लेकिन पढ़ाई तो मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पता नहीं कहाँ पीछे छूट जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। वन नाइट गेम, रात भर पढ़ो सुबह एग्जाम दो, 90% लोग पास भी हो जाते हैं। सोचो विडंबना है, क्या कोर्स सिस्टम है भाई। रात भर पढ़ता है लड़का जिसने कभी आज तक किताब नहीं देखा। मैंने खुद किया है, कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने कभी भी एग्जाम के नाइट के अलावा कभी कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया और पास किया, कभी कोई कैरी नहीं लगा, भगवान की कृपा है। हम तो खुश हो जाते थे जब ऑल क्लियर आ जाता था रिजल्ट। लेकिन क्यों? बस हमारे कॉलेज में एक चीज अच्छा था कि आप क्लास नहीं बंक कर सकते, क्लास 75% से कम अगर आपका अटेंडेंस है तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाता था। इसकी वजह से हम क्लास रेगुलरली जाते थे और उसमें भी जो क्लासेस होती थी उसमें से तो आधे क्लास में हम तो पढ़ने वाले थे ही नहीं, तो ऐसे भी समझ में नहीं आता था, बस जबरदस्ती गए और आए क्योंकि हमें अटेंडेंस पूरा करना था। किसी ने इंटरेस्ट नहीं जगाया। इंटरेस्ट जागा बाद में, जब जागा तो एहसास हुआ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेट क्लासेस और ये टीचिंग करने की कोशिश करता हूँ। मैं वो कोई बहुत बड़ा विद्वान इंसान नहीं हूँ, पढ़ाई लिखाई के मामले में मेरा थोड़ा कंसेशन में ही नॉलेज है। मैं आपको ये सच्चाई बता देता हूँ, आप लोग ये सोच के जो कमेंट करते हो अच्छा लगता है मुझे, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने आप, आपको ये 4 साल का समय है, इसमें बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकेंड ईयर के होंगे, थर्ड ईयर के होंगे, जब के भी हों, अब आप जाग जाओ, जागने का टाइम आ गया। अभी मार्केट बहुत खराब चल रहा है, कैंपस की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अच्छे अच्छे कॉलेज IITs में पूरे 100% कैंपस नहीं हो रहा। अब जिस भी तरह के कॉलेज में पढ़ रहे हो आप खुद सोच के देखो कि क्या स्थिति है, कैसे इस पूरे मार्केट में कैसे अपने आप को कम्पीट करना है, कैसे जॉब मिले, कैसे कुछ करना है। तो सबसे पहला मैं एक आपको ब्रह्म ज्ञान देता हूं कि सक्सेसफुल इंसान कौन होता है। दिक्कत क्या है कि आज आप जो काम करने के लिए गए हो वो काम छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हो आप, दिक्कत यही है। और जब आप दूसरे काम करने के लिए होना चाहिए तब आप पढ़ाई करते हो बैठ के। लड़के क्या करते हैं, 4 साल इंजीनियरिंग करते हैं, अगर जो पैसे वाले हैं वो तो कुछ बिजनेस कर लिया, लकली किसी कोई अच्छा थोड़ा जिसने सिंसियरिटी से पढ़ाई की उनका जॉब लग गया, बाकी लोग आके कुछ लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, 2-4 साल तैयारी करते हैं, उसमें भी जो सिंसियर होता है उनका जॉब लगता है। बाद में क्या होता है, औने पौने भाव में कुछ जॉब लेना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, मतलब वो इंजीनियरिंग वाला जो डिग्निटी है वो खत्म हो जाता है। मैंने देखा है, एग्जाम्पल्स है मेरे पास। तो ऐसी स्थिति क्यों लाते हो भाई? मैंने देखा है कॉलेज में क्या करते हैं बच्चों को चिंता इसकी नहीं होती कि मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम कैसे जाएगा। अरे छोड़ो, गोली मारो यूनिवर्सिटी एग्जाम की, गोली मारो, मुझे तो मतलब नहीं है, फेल हो जाओ। तुमने सीखी कितनी इंजीनियरिंग, कितना इंटरेस्ट है, कितने लोगों को इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग सीखने में? अगर आपके बैच में 5% भी लोग हो ना तो समझ लो कि बहुत अच्छा अमाउंट है, और अगर आप उस 5% में हो तो समझ लो कि आपके लिए दुनिया खुली है, कुछ भी कर सकते हो। दिक्कत क्या है कि सबसे पहले तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। अरे यार, कम्युनिकेशन स्किल के लिए जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती आपके किताब में जो लिखा है उसके लिए, उसको तो आप पढ़ते नहीं, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हो। यह फैक्ट है, मैं बता रहा हूं फैक्ट, आप एग्री करोगे कमेंट करना। बिहार के बच्चे जाते हैं पूरा साउथ इंडिया में पढ़ने, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे कैंपस में लेंगे। अरे मैं अपने कैंपस से सिलेक्ट हुआ था, हिंदी में इंटरव्यू देके, हिंदी में दिया था इंटरव्यू, मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और मैंने सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना तो आप कर सकते हो। आप अच्छे और बुरे किस चीज से आके जाओगे? आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए हो, अगर आपको अपने कोर्स का कुछ नहीं आता और खूब बड़ा अच्छे इंग्लिश बोलोगे तो क्या आपका जॉब हो जाएगा? नहीं होगा। आप इंटरव्यूअर के हिसाब से सोच के तो देखो। लेकिन मान लो आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन आप
वेल एंड गुड हो, इतना अच्छा कमांड है आपको सब्जेक्ट के ऊपर कि उसका कोई सानी ना हो, तो आपका जॉब नहीं होगा तो किसका होगा? वो लोग जॉब देने आए हैं, वो कोई कॉल सेंटर में उनको फोन अटेंड नहीं कराना है, उनसे इंजीनियर, उनको आपसे इंजीनियरिंग कराना है, आपके ब्रेन का इस्तेमाल करके कुछ अपने कंपनी के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कंपनी अर्न करे, कंपनी आपकी इंग्लिश बोलने से अर्न नहीं करती। तो सबसे पहला ब्रह्म ज्ञान, जो काम अभी करना है आपको उसमें तो आप 100% दो, आप अपना पर्सनालिटी डेवलप करो, एकदम करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन वो सेकेंडरी है। आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि जो कोर्स में आपकी बुक्स हैं, जो आपके कोर्स में लिखा हुआ है, जो कोर्स में है बना हुआ, उस पर आपको कमांड होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। और अगर आज आप ड्यूटी अच्छा नहीं करोगे तो नौकरी देने वाला भी यही सोचेगा कि ये तो इसने पढ़ाई ठीक से नहीं की, तो मेरे यहाँ नौकरी आके खाक करेगा, या आएगा तो कुछ और करेगा। बाकी कंपटीशन बहुत है मार्केट में, अगर आप कहीं से लोन लेके आप कैसे भी पढ़ाई कर रहे हो तो इस पर ध्यान दो। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो बीच बीच में मैं आके आप लोगों का इस तरह से मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बने, तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे, और आज के बाद आपके लाइफ में आप खुद से डिसाइड करके चेंज लाइए अपने लाइफ में। और डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा सिंसियर होंगे ना, थोड़ा सा जो भी आप कर रहे हैं वो करिए। कॉलेज में बहुत कुछ लोग करते हैं, वो वाली तेरी, वो वाली मेरी, वो भी करिए। हर चीज का एक उम्र होता है, ये आपका उम्र है करने का, लेकिन पढ़ाई भी करिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं पढ़े ना, तो अगर आप बाद में पढ़ेंगे तो आज की तरह नहीं सीख पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। वन नाइट गेम भी खेलिए, नहीं खेलेंगे तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहला टास्क है कि जो आपके कोर्स में बुक्स हैं, जो आपका कोर्स है, जो आपका सिलेबस है, वो आपको समझ में आनी चाहिए, उस पर कमांड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम का तैयारी बिल्कुल अलग होता है, वो तैयारी तो आप एक रात में कर सकते हैं, आपने किया भी होगा, बहुत लोग पास कर गए होंगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस कितना आता है कि मुझे क्या आता है। तो इस चीज पे आज से वर्क करिए, जब भी पढ़ने बैठिए, पता नहीं मेरा वीडियो रिकॉर्ड होगा कि नहीं, क्योंकि लिमिट है 20 मिनट 22 मिनट रिकॉर्ड होता है, उसके बाद बंद हो जाता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जब भी पढ़ने बैठो आधा घंटा बैठो, लेकिन कुछ सीख के बंद करो किताब, चिढ़ के किताब बंद मत किया करो। होता क्या है, हम लोग किताब खोलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, समझ में नहीं आता, किताब बंद करके रख देते हैं, ये नहीं। अगर आज बैठे हो, जितना भी आपको टाइम लगे, 2 घंटे लगे, चार लाइन ही समझना है, उसको समझे बिना किताब मत बंद करो, नहीं तो ये टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो पहला तो आप मन में ये बना लो कि अगर मैं बैठूंगा तो कुछ सीखूंगा, तभी किताब बंद करूंगा। मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज मैंने आधा घंटा पढ़ाई किया तो ये चीज मैंने सीखा, ये चीज मैंने समझा, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप 5 मिनट और 10 मिनट में चिढ़ के किताब बंद करोगे, तो आप हर बार वही 10 मिनट में बंद करोगे, और वो 10-10 मिनट आपका हजारों मिनट में बर्बाद हो जाएगा, और उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप मत टारगेट करो कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, आपको आधा घंटा पढ़ना है, और आधा घंटा में ये चीज, छोटी सी चीज मुझे सीखनी है, और वो बिना सीखे मैं किताब नहीं बंद करूंगा, वो मुझे 5 घंटे लग जाए, फिर देखो धीरे 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 मजा आने लगेगा। इंजीनियरिंग बड़ा जबरदस्त है, कमाल का चीज है, इसमें आनंद लोगे ना तो बहुत मजा आएगा, और फिर देखो, फिर तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। पढ़ाई का ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नॉलेज वाले लोग आज के डेट में भी, एक तो मैं बता रहा हूँ, 14 लाख लोगों में ना इतने सारे लोग इंजीनियर बन रहे हैं, 2% है ना ऐसे जिनको जॉब दिया जा सकता है, बाकी के 98% जॉब करने के लायक भी नहीं है। ये डेटा है, कोई अच्छे ऑथेंटिक डेटा बता रहा हूँ मैं, सोर्स याद नहीं है मुझे अभी। कम से कम जॉब करने के लायक तो बना लो अपने आप को, बाकी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो पूरी दुनिया है। ये 4 साल में थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो, फिर तो पैसे का भी कोई ये नहीं है, दुनिया फिर तुम्हारे आगे झुक जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरी बातें थोड़ी बहुत पसंद आई, अच्छी लगी, दिमाग में घुसी, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने किसी लेजी फ्रेंड को शेयर भी कर देना, ताकि मेरी बातें सुन के उसको भी दिमाग में आए कि वो भी कुछ करे और सीखे। बाय बाय।